नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की समकालीन भारत फर्स्ट के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे कि हमें आखिर क्या क्या पढ़ना है इस बुक्स में। तो इसमें पहला चैप्टर है हमारा भारत, इसका आकार देखेंगे भारत का और इसकी स्थिति देखेंगे। बड़े धैर्य के साथ बने रहिए, बड़े अच्छे से सुनिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा भी कोई भी शब्द नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना रहे, ठीक है। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की। कृषि उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह हम लोग बात करते हैं स्थिति की, भारत की भौगोलिक स्थिति की। तो सबसे पहले आप लोग विश्व का ये मैप देख लीजिए। ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप, ये आपका एशिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपके महाद्वीप हैं, ठीक है। इनके अंदर आपके देश होंगे, जैसे एशिया महाद्वीप के अंदर आपका रूस हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, इस तरह की और भी देश हैं इसमें, ठीक है। ये आपका प्रशांत महासागर लगा हुआ है, ये आपका हिंद महासागर, ये आपका अटलांटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर और ये नीचे अंटार्कटिका है, ठीक है। ये आपकी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। इससे जो ऊपर का हिस्सा है इसे उत्तरी गोलार्ध कह देते हैं और जो नीचे का हिस्सा है इसे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये आपकी देशांतर रेखा है 0 डिग्री। तो ये आपका पश्चिमी हिस्सा है इस तरफ आपका पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। इसलिए ये बता रहा हूं कि अभी यहां आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? यहाँ उत्तरी गोलार्ध में, देखिए भूमध्य रेखा से ऊपर ही है ना, 0 डिग्री अक्षांश से, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यहाँ आपका पूर्वी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। यहाँ आपका 67 डिग्री 7 मिनट से 97 25, यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, याद रखें। इसे इस तरह से याद रख सकते हैं आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको याद बना रहेगा। 84 से 376 और 687 से 97 25, ठीक है। कर्क रेखा, जैसा कि आपको पता होगा हमारे भारत से कर्क रेखा भी गुजरती है। क्या होता है? कर्क रेखा भी गुजरती है भारत के बीचों बीच से। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में ये बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों का विस्तार कर सकते हैं। यहाँ आपको एक जानकारी और दे दी कि जो आपका मैप्स है उसकी एक बुक्स आती है एटलस की, लगभग पूरी कवर की हुई है हम लोगों ने बहुत ही साधारण शब्दों में मैप्स को देख देख कर, ठीक है। उससे बाहर आपका कहीं ना जाने वाला है, वर्ल्ड मैप्स का पूरा कवर किया हुआ है। फिर झीलें हो गई, देश हो गए, राजधानियां हो गई, उनके बारे में जो भी पॉइंट रहे हैं, मैप्स के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में पड़े हुए सब।
आप जानते हैं कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण ये समुद्र में जलमग्न हो गया। अब बात करते हैं हम लोग आकार की। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि 2.4% है। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर, और जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर है। चीन जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर है, और रसिया यानी कि रूस क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। ठीक है, भारत सातवें स्थान पर। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत हैं। इसके दक्षिण के का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर, इसके पश्चिम में क्या है, अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। क्या है, देखिए, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है पूर्व में, ये आपका पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है, ये आपका अंडमान निकोबार हो गया। चित्र 1.3 में देखिए, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी देख लीजिए जो आपकी कर्क रेखा है, ये है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, या कि यहां एक कर्क रेखा, तो ये आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से 8 राज्य हैं? 8 राज्य हैं आपके, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 8 राज्य। एक सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि मैप्स रखकर इसके सभी राज्यों को क्रम से रट लेना है, याद कर लेना है जिस तरह से हम, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं घुमा के, तो आपको क्रम याद रहेगा तो आप क्वेश्चंस सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। और ये है आपकी मानक रेखा। कौन है ये, है आपकी मानक रेखा। तो मानक रेखा जो आपकी है, ये आपकी 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यही आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसी से हमारा समय निर्धारित होता है। इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है। ठीक है, आपने सुना हुआ। ये आपका यहाँ नेपाल हो गया, यहाँ आपका चीन हो गया ऊपर। ठीक है, ये आपका भूटान, ये आपका म्यांमार लगा हुआ है, ये बांग्लादेश है, और नीचे आपका श्रीलंका है, और यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ आपका अफगानिस्तान है। पीओके वाला हिस्सा आपका अफगानिस्तान से लगता है। ठीक है, और इसकी अगर हम लोग पश्चिम से पूर्व की पूरी लंबाई विस्तार की बात करें, तो 2933 किलोमीटर इसकी पश्चिम से लेकर यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25। ठीक है, और अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण तक इसकी पूरी लंबाई की बात करें, तो 3,214 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, यानी कि गुजरात और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, इनके बीच 2 घंटे का अंतर है समय का। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक या उत्तर मानक माना गया है।
जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शेष वर्ष फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में से भी पूर्वी तट के माध्यम से लगभग संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम आपके देश पर रखा गया, यानी कि हिंद महासागर। ठीक है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है। अब ये आपके क्या है, इति विश्व के 7 बड़े देश हैं क्षेत्रफल के यानी कि भौगोलिक आधार पर। रूस पहले स्थान पर है, फिर आपका कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत आपका 7वें नंबर पर है। ठीक है, याद रखिए, पहले पर आपका रूस, जनसंख्या में पहले पर आपका चीन है, दूसरे पर आपका भारत है। कुछ ही दिनों बाद हम लोग पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे जनसंख्या के मामले में, क्योंकि उत्पादन हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो अभी एक जो रिपोर्ट आई हुई है नई, तो इसमें तो बताया जा रहा है कि 2030 के पहले पहले हम लोग चीन को पछाड़ देंगे। ये देख ही चुके हम लोग मैप्स को अच्छी तरह से। आप लोग एक बार फिर से बोल रहा हूं कि सभी राज्यों को क्रम से याद रख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है जिनकी अपने राज्यों से सीमा लगती है भारत में, या उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, एमपी हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रख। ये आपका भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग हो गया, देखिए कोलकाता, यहाँ से आपका ये जा रहा है श्रीलंका, बैंकॉक, थाईलैंड, ये दिल्ली, मुंबई, ये वायु मार्ग हो गए और ये आपके समुद्री मार्ग हो गए। ठीक है, मुंबई से देख लीजिए, आपका चीन है, म्यांमार, ऊपर आपका रूस है। पता है आपको कुछ देश आपके ऐसे हैं कि जो यूरोप महाद्वीप में भी आते हैं और एशिया महाद्वीप में, जैसे कि आपका रूस हो गया, तुर्की हो गया। ठीक है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रे से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत में आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे देश का यानी कि भारत का संबंध अन्य देशों से रहा हो। हमारा देश बहुत पुराना इस तरह के संबंध रखता था हड़प्पा काल से, समझ में आया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखने में हमारा देश बहुत आगे था प्राचीन काल से ही। मेसोपोटामिया की सभ्यता सुनी होगी ईरान में, चाइना की होंगो, तो ये सभी उसी टाइप के पीरियड के सभ्यताएं थी। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्व एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़ों तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया
कि वास्तुकला के प्रतीक मीनारों, गुम्बदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है, तो अंग्रेज यहाँ शासन करने के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं आए थे, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ जो मसाले उत्पादन होता था, इनकी बड़ी मांग थी। हमारे यहाँ जो सूती के कपड़े थे, इनकी बहुत मांग थी यूरोपीय देशों में, तो उसी उद्देश्य से आए हुए थे, व्यापारिक उद्देश्य। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ व्यवस्था कुछ और ही है, तो वो लोग जम गए, यहीं रुक रुक के रह गए। चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। एक पॉइंट याद रखना है यहाँ, क्या थे? लेकिन अभी क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 को जो आपकी 370 अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, उसे खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब जो प्रावधान आपके अन्य राज्यों में लागू होते हैं, वही आपके जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं। तो इस तरह जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है, एक आपका लद्दाख, दूसरा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इस तरह से आपके 28 राज्य बनते हैं और केंद्र शासित प्रदेश आपके 9 हो जाते हैं। इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि क्या करिए, कि इसके लिए आप लोग करेंट अफेयर से जुड़ा रहिए। क्या होता है कि जब बदलते रहते हैं, कई बार क्या होता है, फिर इस राज्य का बंटवारा हो गया, आपने देखा होगा 2014 में आपका आंध्र प्रदेश का बंटवारा करके तेलंगाना निकाल दिया गया, तो इस तरह की करंट में देखा करिए। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन यानी कि तिब्बत, नेपाल, भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ लगती है। इस तरह से आप यहाँ देखिए, ये आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ देखिए पीओके वाला हिस्सा लगता है, ये आपका चीन हो गया, नेपाल, ये आपका भूटान हो गया, ये हो गया आपका म्यांमार, ये आपका बांग्लादेश, नीचे आपका श्रीलंका। याद रखिए, सबसे कम सीमा लगती है आपकी अफगानिस्तान से और सबसे ज्यादा बांग्लादेश से। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ अपने राज्यों का क्रम, ये जो जम्मू कश्मीर है इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। यार फिर उसके नीचे आइए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन्हें पूरी तरह से क्रम से याद रखिए, क्योंकि अभी देखिए आपसे पूछ लिया अगर कि नेपाल से किन किन राज्यों की सीमा लगती है, तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, आपका पश्चिम बंगाल की भी सीमा याद रखिए लगती है सिक्किम से, सॉरी नेपाल से, और सिक्किम की भी सीमा लगती है आपकी नेपाल से। ठीक है, कभी पूछ ले पाकिस्तान से किन किन राज्यों की, तो गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, और आपका ये हो गया क्या, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये आपका राजस्थान हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये आपका बीच में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ दमन द्वीप। ठीक है, ये आपका गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वही अरुणाचल प्रदेश है जहाँ चीन अपना कब्जा बताता रहता है। ये आपका पुदुचेरी हो गए, या नाम, या न्यू मोरी द्वीप, भारत, जो भारत बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है, ये है आपका न्यू मोरी द्वीप, करिकाल पुदुचेरी, ये आपकी माही पुदुचेरी, लक्षद्वीप हो गया भारत में, ये आपका मालदीप हो गया, यहाँ अंडमान निकोबार। ठीक है, ये आपका अरब सागर हो गया,
देखिए अब यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, करक रेखा, ये आपकी करक रेखा किस किस राज्य से गुजर रही है? गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब आप ही सोचिए, अगर आपको पता ना हो कि मध्य प्रदेश कहाँ है, गुजरात कहाँ है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि किस किस राज्य से गुजर रही है? और आपको क्रम याद होगा तो आप बता सकेंगे, ठीक है? इसलिए राज्यों को अच्छे से क्रम से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। ये आपका मालदीव है, ये आपका श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ये आपका क्वेश्चन वन डे एग्जाम में हो या फिर कई बार प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता था। वन डे एग्जाम का तो बड़ा फेवरेट ही क्वेश्चन रहा है। क्या पूछता था? पाक जल जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो क्या करते थे जो नहीं पढ़ते थे, उनमें से अधिकतर लड़के क्या लगाए जाते थे? पाकिस्तान, भारत। लेकिन ये किसे अलग करती है? भारत और श्रीलंका के बीच अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि देखो कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। आप जानते हैं स्कूल भुवन के एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनआरएससी इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्र को देख सकते हैं। तो ये था आपका पहला चैप्टर, भारत और आकार और स्थिति। इसी चैप्टर से संबंधित आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, देख लेना है। जैसे करक रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो आपको पता होगा जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा, इनमें से किस में से नहीं गुजरती है बताइए? राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, लेकिन इसमें आपका उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो इसमें क्या होगा? उड़ीसा, ठीक है। इसी तरह भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? सबसे पूर्वी पूछ रहा है, तो पूर्वी आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ठीक है, देख लेना ही आप लोग। तो चलिए अगले अगला अध्याय होगा हमारा भारत का भौतिक स्वरूप।